सिम्बा मुझे बहुत पिटवाने वाला है। पता है आपको क्यों? पता है? बताओ सबको। मम्मा की पिटी लगवाओगे आप सबसे। गाइस, यू नो व्हाट्स बीन हैपनिंग फॉर सो मच टाइम। मैं आजकल सिम्बा के कमेंट्स पढ़ रही हूँ एंड सेट सेट इतने सारे छोटे बच्चे सिम्बा के फैन हैं एंड ऑल ऑफ देम कीप टेलिंग मी कि दीदी हमें सिम्बा बहुत अच्छा लगता है। हम भी अपने मम्मी पापा से कह रहे हैं कि हमें भी एक पग ला के दो, हमारी मम्मी हमें पग लाने नहीं दे रही है। एंड आई एम लाइक ओके डूड व्हाट्स हैपनिंग। सो बेसिकली सारे छोटे बच्चों को सिम्बू बहुत पसंद आ गया है और इसीलिए सारे छोटे बच्चे पग लेना चाहते हैं और उनके मम्मी पापा बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बच्चा लोग पग को घर पे लेके आना, फॉर दैट मैटर एनी पेट को घर पे लेके आना इज अ बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अनलेस यू आर रेडी फॉर इट, तब तक ये नहीं हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी फनी थिंग दैट हैपेंड रिसेंटली। सो वन ऑफ माई कजिन्स, मेरी मामी का बेटा है व्योम, छोटा है मुझसे बहुत, बिकॉज माई मामी इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो मुझसे थोड़ी सी एज में बड़ी है एंड माई कजिन इज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। तो उसके किसी फ्रेंड से शर्त लगी थी उसकी कि मैं उसकी दीदी हूँ और सिम्बा मेरा डॉगी है, तो उसको प्रूव करना था। तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही टुक हिज फ्रेंड ऑन द कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल पे उसने विश्वास हो गया कि हाँ मैं उसकी दीदी हूँ, सब कुछ हुआ। एंड देन द अदर छोटू बच्चा द फ्रेंड टोल्ड मी कि आपको पता है दीदी, मेरा जो छोटा भाई है ना वो सिम्बा का फैन है बहुत बड़ा। आई वॉज लाइक अच्छा उससे बात कराओ। कहता आप बस उससे हाई बोल दो एंड वो बहुत खुश हो जाएगा। तो मैंने उसको हाई बोला, मैंने पूछा कितने साल का है वो, ही वॉज जस्ट 6 ईयर्स ओल्ड। एंड देन ही सेड कि सिम्बा का जो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें आपने वो बोला है कि उसको दवाई लगाने के लिए, सिम्बू दवाई लगा दूँ? हाँ, कहता है मुझे पूरा दिन भर वो दवाई लगा दूँ दवाई लगा दूँ बोलता रहता है। सो आई थिंक किड्स आर क्रेजी। मुझे एक और छोटी बच्ची मिली थी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड अचानक से शी सेड आप सिम्बा की मम्मी हो ना, एंड मुझे एक सेकंड के लिए झटका लग गया कि किसने मुझे सिम्बा की मम्मी बोला। इवन शी इंसिस्टेड और उसकी मॉम ने उसे पग दिलवा दिया था सिम्बा को देखने के बाद, बट नॉट ऑल द मदर्स। सो मम्मी लोग आई एम वेरी सॉरी, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ। अब सिम्बू करता है इतनी क्यूट हरकतें तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। सो कितने लोग चैट पे जुड़ रहे हैं और आप लोग सिम्बू के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। सिम्बा एवरीबडी इज सेइंग हाई टू यू एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं। सो देर इज अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल छाया, हाय छाया। दिलीप यू ऑल्सो वॉन्ट अ पग? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माही हाय। फ्लफी इज क्यूट वर्ड, यू आर रिक्वेस्टिंग योर मदर एंड फादर टू गिव यू अ पग। यार तुम लोग मेरी पिटाई करवाओगे, मैं सच्ची बोल रही हूँ। देखो किसी भी पेट को रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतना इजी नहीं होता है। सिम्बा भी बहुत गंदा बच्चा है, कई बार ये बहुत गंदे बच्चे की तरह बिहेव करता है। अच्छा ओके, हाई फाइव, गिव हाई फाइव। इतना खड़े हो क्या? हाई फाइव, सेट सेट सेट, हाई फाइव। कम दिस साइड, कम यो, कम दिस साइड, कम यो, ये लो, सेट सेट सेट। ट्रीट चाहिए? अच्छा इसको पहले ट्रीट दे दूँ, ये मानने वाला नहीं है। पहले शेक हैंड करो ना, शेक हैंड, गुड बॉय, दावन, हाई फाइव, हाई फाइव, गुड बॉय। आजकल ये खड़े होके हाई फाइव करता है। दे रही हूँ दे रही हूँ, डोंट बी इम्पेशेंट, ये ट्रीट्स के पीछे पागल है। दे रही हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, डाउन डाउन, नाउ सेट, मैं स्माइल करूंगी तो आपको पता है सिम्बा ने आजकल एक और हरकत करनी शुरू की है। जब तक ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा होता है ये एकदम पागलों की तरह कई बार बिहेव करता है, और जैसे ही मैं सोचती हूँ कि छोटा सा क्लिप बना लूँ फनी लगता है मुझे, ये ऐसे कैमरा को देखता है, अच्छा अभी इन्होंने मेरे को शूट करना शुरू किया, और ये शांत हो जाता है। ये कुछ नहीं करता है उसके बाद, फिर
ये सोचता है मेरी मम्मा मेरे को बदनाम करती रहती है, हो बदनाम करती रहती है मेरी मम्मा मेरे को, मेरे बारे में वीडियोस बनाती है, हो सबको दिखाती है कि मैं कितना लल्लू हूँ। सिम्बा बहुत बदमाश होता जा रहा है। स्नेहा, सिम्बा इज गोना बी 2 years ओल्ड नाउ इन नवंबर, तो ये पौने 2 साल का हो गया है। और बताइए क्या पूछना है आप लोगों को। Somebody wants to take home Simba. बहुत तंग करता है, आप लोग बोलते हो कितना क्यूट है और यू नो कितना प्यारा है, इतना प्यारा भी नहीं है, बहुत ही खोटू राम है ये, बहुत खोटू राम है ना, खोटू राम है ना, खोटू राम है ना। मैं सोच रही थी एक मीटअप रखूंगी, जो लोग मुंबई में है एटलीस्ट उनको मैं सिम्बा से मिलवा सकती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ ही विल बिहेव अराउंड सो मेनी पीपल, बिकॉज ये देखो देखो मैं नहीं देने वाली हूँ, नहीं नहीं दूंगी ट्रीट। All he cares is about this treat that I have in my hand. Treat चाहिए, treat चाहिए। हाय बोलो सबको पहले लाइफ पे, उधर उधर यहाँ पे हाय करो, हाय। इसको पता है पहले 4-5 बार हेलो करूंगा, हाई फाइव कर ना, स्टॉप इट। जबरदस्ती तो मैं नहीं दूंगी ना आपको, छीन लोगे मेरे से ट्रीट, ये क्या बात हुई, मैं नहीं दे रही ट्रीट, नहीं दूंगी, जाओ जाओ, गो गो जा, नहीं जाएगा ट्रीट के बिना। हाय प्रयाग फ्रॉम न्यू जर्सी, हाय यू आर वॉचिंग फ्रॉम देयर, हेलो हेलो। पूर्वी हाय, अर्चना हेलो, रेनू हाय, हाँ, ये भी हाय बोल रहा है सबको, और बोलो हाय बोलो सबको, हाय बोलो बोलो। इन्फिनिटी गेम, यू हैव अ पग नेम मैक्स, ओ वाओ। आज मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई थी, तो वहां पे बाहर एक पग घूम रहा था, मुझे लगा ही वॉज क्वाइट ओल्ड एंड आई आस्क्ड, ही वॉज 10 years ओल्ड, वो इतना क्यूट लग रहा था वो। यार डॉग्स जब थोड़े ओल्ड होने लगते हैं, आई डोंट नो वो फीलिंग कैसी होगी। हमारा तो पगलू अभी बहुत छोटू है, आप लोगों के पास डॉग्स हैं जो बड़े हैं, बड़ी एज के हैं, वो लोग कैसा बिहेव करते हैं, कितना ख्याल रखना पड़ता है उनका, ये भी बताना। पिट्टी करवाएगा मेरी, पिट्टी करवाएगा मेरी, पिट्टी करवाएगा मेरी। हेलो एवरीवन, हाय। सब लोग बहुत अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। विपिन इज फ्रॉम नेपाल, काठमांडू, हाय विपिन। क्रेजी डीवा, यू आर ऑल्सो गरिमा, हाय सेम पेंच। विच शैम्पू सिम्बा यूजेस? दीप्ति, मैं इसको अभी एक मेडिकेटेड शैम्पू लगा रही थी, बिकॉज इसको बीच में ना थोड़े से ये हो गए थे, टिक्स हो गए थे, तो डॉक्टर ने उसको दिया था वॉश करने के लिए, उससे मुझे नाम नहीं पता है, मैं आपको पोस्ट में बताऊंगी, बट ही इज़ यूजिंग अ मेडिकेटेड वन, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट अदर शैम्पूज एंड वट एवर। बाल वैसे भी पग्स के बहुत झड़ते हैं, तो शैम्पू अगर इसको करो, वैसे तो मैं इसको जनरली स्पा में ही लेकर जाती हूँ। सो अभी भाई साहब खुला है लॉकडाउन थोड़ा सा, तो स्पा में जाकर आए हैं, शिम्बू एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है ना, स्पा में गया था ना बाबा। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके नेल्स जो है ना, अगर वो बड़े हो जाते हैं बहुत इशू होता है, इतना स्क्रैच करता है ना ये, और लॉकडाउन में हम लोगों को घर में रहने की आदत पड़ गई है इसके साथ, तो अगर मैं 1-2 घंटे के लिए भी बाहर गई ना, व्हेन आई कम बैक ही गोज हिस्टेरिकल, लाइक रियली हिस्टेरिकल। अच्छा आ जाओ आओ, आ जाओ, सेट दे रही हूँ, सेट सेट। तो यस, आज का टॉपिक ये था कि छोटे बच्चे मेरी पिटाई ना करवाएं अपनी मम्मियों से, और पग लाने की जिद मत करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो सिम्बा का चैनल ही देखते रहो, ठीक है, उसी से खुश हो जाओ, टिल द टाइम योर पेरेंट्स फील कि आप लोग उतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो कि आप एक पेट की केयर कर सकते हो। जिद्दी नहीं करना है अपने मम्मी पापा से, है ना चिंबू, जिद नहीं करनी है ना, सबको बोलो, सारे छोटे बच्चों को बोलो जो आपके इतने बड़े फैन हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, इतनी सारी पारी भेजते हैं, आपको पता है कमेंट्स के अंदर कितने सारे बच्चे आपको लाइक करते हैं। सो बच्चा लोग समझ गए ना प्लीज, वरना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ना आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ से मैसेजेस और हेट मेल्स आने शुरू हो जाएंगे, जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ, बिकॉज आप अब इतनी जान खाओगे अपने मम्मी पापा की, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सिम्बा को आप प्यार देते रहो, एंड अगेन पेरेंट्स से मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को पेट्स एक्चुअली बहुत पसंद होते हैं, तो अगर आपके बच्चे जिद भी कर रहे हैं, एंड इफ यू फील दैट दे आर रेडी, यू डेफिनेटली शुड गेट देम अ पेट, बिकॉज यू नो दे आर सच लवेबल क्रीचर्स,
इतना मजा आता है इन लोगों के साथ खेलने में, टाइम पास करने में, और बच्चों के लिए कंपेनियनशिप बहुत ज्यादा हो जाती है. सो यू शुड कंसिडर. तो दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. चलो गाइज, मजा आया लाइव में आप लोगों के साथ में. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग सिम्बास पग लाइफ. इस पगलू को अपना प्यार देते रहना और मेरी पिटाई मत करना. टाटा.